खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है और वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। देखिए, एनकाउंटर में एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद भीड़ ने सुरक्षा बलों पर ही हमला बोल दिया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर पुलवामा में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की जा रही है। पुलवामा में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों से बचाने के लिए पत्थरबाज सीधे सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से सुरक्षा बलों की जो गाड़ियां हैं उसके पीछे दौड़ते हुए पत्थरबाज आपको नजर आ जाएंगे। और ये सब तब हो रहा है जब आतंकवादियों की सफाई के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हुए हैं और ये रत्नीपुरा जो कि पुलवामा के पास है वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है उस दौरान सुरक्षा बलों को खदेड़ने के लिए वहां से हटाने के लिए हम आपको बता दें पत्थरबाज जो हैं वो उन्हें निशाना बना रहे हैं। पत्थरबाजों ने फिर से आप कह सकते हैं आतंकवादियों को बचाया है क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल रही है एक आतंकवादी इस एनकाउंटर में मारा गया है और दो भाग गए हैं। सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी का। आसिफ, ये तो सीधे सीधे पत्थरबाजों की तरफ से आतंकवादियों को बचाने की कोशिश है, क्या ये सही है कि इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया लेकिन दो भाग गए हैं? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह तड़के जब ये ऑपरेशन पुलवामा के रत्नीपुरा गांव में शुरू किया गया था तो सुरक्षा बलों के पास एक पुख्ता जानकारी थी कि 3 से लेकर 4 मिलिटेंट जो है वो इस इलाके में छुपे हुए हैं और इनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से है। सुबह तड़के इस ऑपरेशन को जैसे ही शुरू किया गया सुरक्षा बल उस घर के पास पहुंचे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे तो अंदर से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मिलिटेंट बाहर आए और अब यही माना जा रहा है कि कम से कम 3 मिलिटेंट जो थे वो भागने में कामयाब रहे जबकि 1 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम हिलाल अहमद राखिर है और पिछले साल नवीद जस के भागने में उसका को भगाने में मदद में उसका हाथ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जो लश्कर का कमांडर श्रीनगर की सेंट्रल जेल से उस समय भागा था SMHS हॉस्पिटल से। लेकिन इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ है। सुरक्षा बलों के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिनमें से 1 हवलदार बलजीत सिंह की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई जबकि 1 अन्य जवान अब भी गंभीर अवस्था में श्रीनगर से 92 बिल्कुल। तो आसिफ, ये अहम जानकारी आप हमें दे रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।